असलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। वेलकम है दोस्तों आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको देने वाला हूँ इस्लामाबाद पुलिस के वाले से। जिन दोस्तों की तालीम मैट्रिक है और वो चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद पुलिस में जॉब के लिए अप्लाई करें, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर, PhD, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तमाम क्वालिफिकेशन की तमाम पोस्टें मौजूद हैं इस बार इस्लामाबाद पुलिस के अंदर। तो आपने वीडियो को लास्ट में कम्प्लीट देखना है। इस जॉब के अंदर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको गाइड करूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो बात करते हैं कि आपने इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने फर्स्ट ओपन करना है गूगल को या कोई भी आप सर्च इंजन ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल यहां पर आपने सर्च करनी है एक वेबसाइट जिसका नाम है ग्राज स्टडी। जैसे आप यहां पर इस साइट को सर्च करेंगे तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी और आपको फर्स्ट आर्टिकल मिलेगा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब्स 2023। तो यहाँ पर आप सिंपल इस आर्टिकल को ओपन कर लें। मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट मिलेगी इसकी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप मुकम्मल इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहिए तो आप इसको यहाँ पर मुकम्मल रीड आउट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको मिलेगी इसकी डिटेल, तो डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। होस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस है। इंडस्ट्री गवर्नमेंट जॉब है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2023। यहाँ पर बाई मिस्टेक 22 लिखा हुआ है, ठीक है। 2023 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, ACCA, MCS, मास्टर और मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैट्रिक बेस के ऊपर भी वैकेंसी इस बार इस्लामाबाद पुलिस के अंदर मौजूद है और उसके बाद MS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 65+ वैकेंसीज हैं। और नीचे आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर बताया गया, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर भी आपको इस जो जॉब का ऐड है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको बताई गई वैकेंसीज़ कौन कौन सी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको तमाम ये वैकेंसीज़ की लिस्ट बताई गई है। काफ़ी अच्छे स्केल की और काफ़ी बड़े स्केल की वैकेंसीज़ हैं, आप जिसमें अप्लाई करना चाहें आप ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बताया गया हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। तो आपने ध्यान से इन चीज़ों को चेक कर लेना है। फर्स्ट है नंबर वन पे आपका आईडी कार्ड, आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके किसी जॉब के अंदर एक्सपीरियंस है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो ऑफिशियल ऐड है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको भी मुकम्मल यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप इसको ईजिली सेव और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आएंगे और थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, यहाँ पर चेक करें अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। तो सिंपल आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के बटन में क्लिक करें, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और आपको ये वाला एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। पहले आपने लॉगिन नहीं करना, पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप लॉगिन कर लें, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आप पहले अकाउंट को क्रिएट करेंगे, यानी कि अकाउंट साइनअप करेंगे। तो साइनअप करने के लिए यहाँ पर नीचे आपको एक बटन मिलेगा लॉगिन के नीचे, डू नॉट हैव एन अकाउंट, और नीचे यहाँ पर सामने साइनअप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साइनअप के बटन में क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये आपको साइनअप का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपल अपना फर्स्ट लगाना है ईमेल, उसके बाद आपका फुल नेम जो भी आपका रियल नेम है आईडी कार्ड के मुताबिक, उसके बाद आपका आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ की जो भी फ़ोटो है वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोविंस आ जाएगा, पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जो भी आपका प्रोविंस है वो यहाँ से चूज़ करेंगे। लेट्स सपोज मेरा पंजाब है तो यहाँ से पंजाब चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आ जाएगा कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो भी पंजाब के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट आपको लगता है वो यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लगा देना। लेट्स सपोज मेरा यहाँ पर नारोवाल है तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पहले प्रोविंस फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लगाना है। उसके बाद अपने पासवर्ड और ई टाइप पासवर्ड लगा के अपना अकाउंट यहाँ पर साइनअप कर लेना है। जैसे आपका यहाँ पर अकाउंट साइनअप हो जाएगा, अकाउंट को साइनअप करने के बाद बैक आएंगे और यहाँ पर आगे आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो फिर आपने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना आईडी कार्ड और पासवर्ड लगाना है और आपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपने फिल करके तो आपका इजीली आसानी से घर बैठ के ऑनलाइन इस जॉब के अंदर अप्लाई हो जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका है अप्लाई करने का और बहुत ईजी प्रोसेस है। कहीं पर आपको समय ना लगे किसी बात की तो मुझे आपने कमेंट में बता देना है, वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और प्लीज़ आपने वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि किसी भी दोस्त को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो वो भी घर बैठ के वीडियो की हेल्प से अप्लाई कर सके। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करके आल के बटन में टिक करें, ताकि डेली आप तक इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियो पहुँचते रहे, आप उसे डेली फायदा उठाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।